पास ये देखो ऑटो रिक्शा आया है, सवारी गाड़ी, जिसमें ये 408 का टायर लगता है। ये देखिए 408 का टायर लगा हुआ है। इसकी एक ट्यूब फिटिंग में आज बता रहा हूँ कि हम ट्यूब फिटिंग अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो ट्यूब कट जाती है। आज देखो मैंने इसमें एक कील लगी थी जो पंचर मैंने यहाँ बनाया था, लेकिन ये अंदर से भी कट चुका है। तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं इसको बदल ही दो, तो इसको हमें ये देखिए इतना लंबा ये कटा हुआ है, ये इतना लंबा ये कट चुका है। ये दोनों रिमों के बीच में आ जाता है, और ये क्यों कटता है और क्यों ना कटे, इसको कटने से बचाने के लिए हमें किस तरीके से फिट करना है वो मैं बता रहा हूँ आज आपको। इसको हम एक साइड करते हैं, लो पहले तो हमें कील टायर में चेक कर लेनी होती है सही से कि हमने टायर में कील चेक कर लिया। और ये आज हम इसके अंदर ये ट्यूब डाल रहे हैं, हम थोड़ी सी हवा भर देंगे भाई, हल्की हवा भरनी है बिल्कुल। अब इधर से रिम को हम लगाएंगे, पहले ये वाला हिस्सा लगा लेंगे। ये हमने लगा दिया और इसी को सेंटर में लेके फिट कर देंगे। अब ये हमें दो नट लेने हैं यहाँ से वाटसल के साथ में, इसको हाथ से ही टाइट करना है हल्का। ये हमने हाथ से इसको टाइट कर दिया। अब इसकी ट्यूब इसके अंदर दबे ना रिम के अंदर, तो हमें एक काम करना है। ये क्या करना है आपको बताता हूँ। ये हमें चप्पल निकाल के, जूते निकाल के या जूते समेत आप इसको ऐसे किनारी से इसको ऐसे दबा देंगे। अगर आपकी ट्यूब रिम के अंदर है तो वो बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे आप दबा देंगे ऐसे करके, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ ऐसे करके, और दोनों तरफ से इस प्रोसीजर को करिएगा आप इसको ऐसे ऐसे, जिससे कि आपका ट्यूब इसके अंदर दबेगा नहीं। अब उसके बाद में आप सारे नट वार्सल के साथ में इसको फिट कर दीजिए। अब तो नई गाड़ियां आ रही हैं जिसमें अब कैलिपर से टायर खुल जाते हैं, लेकिन ये पुरानी मॉडल की गाड़ी है जो टैलिबल से टायर खुलते हैं। उनके टायर कई दफ़े पंचर होने पे नलकी ही टूट जाती है। जैसा चैम्पियन में दिक्कत आती है वैसी ही दिक्कत इस गाड़ी में भी आती है अगर टैलिबल वाला टायर है तो। और इस वाले टायर में जो रिम की पकड़ इतनी अच्छी है कि आपको टैलिबल से ठोक ठोक के निकालना पड़ता है टायर को, उसके बाद में ये टायर रिम से लूज होता है। और रिम लूज ना होने की वजह से इसको आप चला के भी लाते हो तो जल्दी इसकी नलकी टूटती नहीं है, क्योंकि इसकी पकड़ बनी रहती है, किनारी में बिल्कुल रिम चिपका होता है। अब इसको हम हाथ से हल्का हल्का टाइट कर देंगे। वैसे तो मैंने इसको दबा दिया, मैं मशीन से भी सेट कर सकता हूँ। खोलते टाइम तो मैं मशीन का यूज करता हूँ, लेकिन टाइट करते टाइम इस स्टेट को मैं इसको मैं टामी से ही टाइट करता हूँ, जिससे कि स्टड इसका जो स्टड होता है हल्का होता है, टूट जाता है। ये
हमने इसको फिट कर दिया है। अब इसमें हवा भर देंगे। ढंग हवा कितनी भरनी है? 60। इसमें 60 पॉइंट हवा भरनी है हमें। ये हमने 60 पॉइंट हवा भर दिया इसके अंदर। ये देखिए 60 भर दिया। वाल भी चेक कर देंगे। नलकी आपकी प्रॉपर बाहर निकल जानी चाहिए यहाँ से, तो समझ लो फिटिंग सही है। ठीक, वाल भी चेक कर दिया है। वाल को ऐसे पानी डाल के चेक कर देना है। वाल ओके है। बाकी आपको मैं नया ढक्कन लगा रहा हूँ आपका। ये 4 नट होते हैं इसके। रास्ते में ऑटो वाले भैया तो जैक भी नहीं लगाते, ऐसे ही धक्का मार के इसको लगा लेते हैं, लगा के खोल लेते हैं, निकाल लेते हैं टायर को। दुकान पे है तो इसलिए मैंने इसमें जैक भी लगाया। अब इसको बाहर को भी हिसाब से ही टाइट करना होता है। इधर आ जा। यही तरीका था इसमें ट्यूब फिट करने का। बाकी आपको मेरी जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए।